नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या का सलूशन मैं लेकर आई हूँ। हमारे झड़ते बाल या कमज़ोर होते बाल या डैंड्रफ आपकी रातों की नींद उड़ा रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है और भी संक्रमण जैसे प्रॉब्लम हैं और बाल कमज़ोर हो रहे हैं। तो जो हमारे गार्डन में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से आप इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं कि उनका इस्तेमाल करके कैसे हम एक हेयर पैक बना सकते हैं, वो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी ये हेयर पैक बनाती हूँ इन्हीं अपने किचन से, और कुछ किचन से हैं और कुछ गार्डन से पौधों से। तो ये हेयर पैक जो है आपके बालों को अच्छा पोषण देगा, जिसमें ये देखें, ये प्याज मैंने लिया है और प्याज जो है हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। ये गुड़हल के फूल हैं, गुड़हल की पत्तियों में मॉइस्चराइजिंग गुड़ होते हैं जो बालों को हाइड्रेट रखते हैं। फिर यहाँ पे एलोवेरा है, एलोवेरा गुड़ों का खजाना है, ये त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता से बालों को काला, घना और लंबा बनाया जा सकता है और ये सफ़ेद बालों को बढ़ने से रोकता है। और अगर आप बालों पर लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और घना भी करता है। इसमें करी पत्ते में विटामिन बी और विटामिन सी, प्रोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, आप सभी जानते हैं। और मेथी दाना का हेयर पैक में इस्तेमाल करने से बाल घने और मोटे और लंबे हो जाते हैं। आंवला चूर्ण, आंवला तो सबको पता है लगभग कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना ही फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ज़्यादातर हमारे गार्डन से निकले हुए चीज़ें हैं। और आंवला चूर्ण या तो आप मार्केट में खरीदें या आंवला के सुखाए हुए टुकड़े हों तो उनको भी आप भिगा करके पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेथी का पाउडर लिया है, मेथी दाने को पीस लिया है। आप चाहें तो मेथी को भिगा करके भी उनका पेस्ट बना सकते हैं। तो इस समय देखें, गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियाँ, इन सभी को मैं इस्तेमाल करती हूँ जिस हेयर पैक बनाने में। तो हमारे बाल इतने सारे डैमेज हो रहे हैं आज के टाइम में, झड़ रहे हैं, गंजापन, इन सभी तरह की समस्याओं से ये हेयर पैक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़हल की पत्तियों को मैं फ्रिज में इकट्ठा कर ली थी, एक साथ बहुत सारे नहीं हो पाए थे। ये देखें, ये पर्पल कलर का है और भी कलर के जितने भी तरह के गुड़हल हैं मेरे पास, उन सबको मैं इकट्ठा कर ली थी। बालों को झड़ने के लिए, झड़ने से रोकता है और स्कैल्प में संक्रमण होने से रोकता है ये हमारा गुड़हल जो है। गुड़हल के फूल में विटामिन सी होता है, गुड़हल के फूल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे जो त्वचा होती है ना बालों की, सर की, वो उसमें फंगस नहीं होने देता है। और गुड़हल के फूल में अमीनो एसिड मौजूद होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और गुड़हल की पत्तियों को भी आप इसमें पेस्ट बना सकते हैं, पैक लगा सकते हैं, जो कि मॉइस्चराइजिंग गुड़ होते हैं जो कि बालों को हाइड्रेट रखते हैं। तो बालों की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो गुड़हल का फूल का इस्तेमाल आप हेयर पैक में ज़रूर करें। प्याज से भी बालों का झड़ना बहुत ही तेज़ी से रुकता है, आप प्याज का रस लगाएं या फिर इनको, यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इनको बारीक बारीक काट लिया है। प्याज बालों के झड़ने को से रोकता है, उन्हें काला घना बनाता है। और इस तरह से कोई भी हेयर पैक बनाए तो उसमें प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें घर पे ही आसानी से मिल जाती हैं। और प्याज को अगर आप हेयर पैक में नहीं लगाते हैं तो आप अलग से भी पीस के इसका रस लगा बालों में लगा दें 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद बाल धुल दें सादे पानी से, उसके बाद शैम्पू कर लें तो आपके बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो इस तरह से कड़ी पत्ता भी बहुत ही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता ही है। कड़ी पत्ते में बहुत ज़्यादा विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और ऐसे कई एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्कैल्प को भरपूर पोषण देते हैं। शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है तो उसको भी इस्तेमाल करें या कड़ी पत्ते को, तो वो भी दूर हो जाता है। बालों में आएगी नहीं जान अगर करी पत्ते का आप इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों में करते हैं। अगर आपके बालों का विकास नहीं हो रहा है तो करी पत्ते का इस्तेमाल करें किसी भी रूप में, या फिर बालों को लंबे और मजबूत होने की सभी समस्याओं के लिए करी पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। सफ़ेद बालों को और भी रोकता है और भी सफ़ेद होने से ये करी पत्ता रोकता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है करी पत्ता का इस्तेमाल। और करी पत्ते से आप बहुत लंबे बाल होते हैं, इसका इस्तेमाल आप चटनी के रूप में भी कर सकते हैं, हेयर पैक लगाने में भी कर सकते हैं,
इस तरह से आप ये करी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि बाल बहुत घने हो जाएंगे, आपकी लगभग सभी समस्याएं दूर होंगी, बाल चमकदार बनेंगे। तो ये सब हमारे गार्डन में ही आराम से मिल जाता है, इसलिए आज मैं अपने गार्डन के कुछ पौष्टिक पौधे, फ़ायदेमंद पौधों का इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से मेथी भी जो होती है, मेथी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसका इस्तेमाल आपके बालों को घना बना सकता है। मेथी दाना हेयर पैक में इस्तेमाल करने से बाल घने, मोटे और लंबे हो जाएंगे। मेथी में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, फोलिक एसिड और आयरन जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और ये मेथी जो होती है बालों के लिए वरदान होती है। मेथी के बीज का इस्तेमाल से बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक बंद हो जाता है, और बालों को अगर आप मजबूत और शाइनी बनाना चाहते हैं, घना और लंबा बनाने के लिए आप मेथी का इस्तेमाल करें। चाहे तो इसको आप भिगा दें, रात भर भिगा दें, अगर आपको हेयर पैक बनाने में इस्तेमाल करना है तो उसको रात भर, मेथी खड़ी है आपके पास पाउडर नहीं है तो इसको रात भर भिगा दें, और सुबह पेस्ट जब आप बनाएं सब चीज़ों का अलग अलग पेस्ट बनाएं, मेथी थोड़ा अलग पेस्ट बना लें, या फिर मेथी को आप सूखा पाउडर भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और या तो इसको आप एक गिलास पानी के साथ, इसका एक चम्मच अगर आप फांक लेते हैं पानी के साथ पी लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी ख़त्म होती हैं, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, इन सब में मेथी का दाना के पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपको गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो अगर आप ये इस तरह से मेथी का पाउडर बना लेते हैं तो आप हेयर पैक में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं, ना भिगोना ना पीसना, और इसको आप पानी के साथ सुबह खाली पेट लेंगे तो आपके शरीर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से मेथी का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, और पाउडर बना के करें, या फिर इसका जो भी होता है चूर्ण बना करके भी, इस तरह से पेस्ट बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेथी के सीज़न में जो हरी मेथी होती है उसका भी इस्तेमाल करें, तो जब आप मेथी का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ही आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने लंबे हो जाएंगे, बालों की सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं ऐसे बना करके स्टोर करके रख लेती हूँ, और इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आंवला बालों के लिए फ़ायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं। आंवला पाउडर से अपने बालों को घना बनाएं, आंवला पाउडर जो हमारे बालों को आयरन बहुत ज़्यादा मिलती है उससे। आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो हर कोई जानता है, बालों की ग्रोथ में सहायक होते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं, हेयर एजिंग में लाभकारी होते हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और साथ ही साथ विटामिन ई भी मौजूद होता है, जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उसको रोकने में आंवले का प्रयोग किसी भी रूप में करें, चाहे आंवले का जूस पिएं, चाहे इस तरह से ये हेयर पैक में डाल दें बना करके, तो आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, बाल काले घने होंगे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जब आंवले का सीज़न होता है ना, वैसे तो मार्केट में भी बड़े आराम से आंवले का पाउडर मिल जाता है, लेकिन जब आंवले का सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा आंवला आता है उस टाइम पे, तो मैं आंवलों को ऐसे एक हल्का सा उबाल लेती हूँ 5 मिनट तक, और उसकी फलियाँ निकाल निकाल के उसके बाद धूप में, खूब तेज़ धूप में सुखा लेती हूँ, और कुछ आंवले ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ और कुछ का पाउडर बना लेती हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, जो कि हमको आराम से नेचुरल रूप में मिल जाएगा, और इसको अगर आप इसको भी एक चम्मच आप अपना सुबह पानी के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी तरह की आयरन की समस्या होती है वो दूर होती है, पेट साफ होता है। और इस तरह से आप पाउडर बना के स्टोर करके रखेंगे तो आपको फटाफट, आप हेयर पैक कोई भी लगाएंगे तो इसमें वो डाल सकते हैं। आप मेहंदी भी लगा रहे हैं, हिना भी बालों में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इसका 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल अपने हेयर पैक में कर सकते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास मेहंदी नहीं है, नहीं तो मैं मेहंदी भी इसमें मिक्स कर लेती। तो मैं यहाँ पर, मेरे बाल काफ़ी इस समय झड़ रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ, इसको महीने में 2 बार ही इस्तेमाल कर पाती हूँ, तो ये हेयर पैक मैं महीने में 2 बार लगाती हूँ, और उसके बाद इसको सादे पानी से धो करके उसके बाद उसमें तेल लगा लेती हूँ। तो ये सारी सामग्री को इसको मैंने, देखिए गुड़हल को अच्छे से धो लिया है, इसको धो जरूर लें, सभी पत्तियों को धो लें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हों। इसके बाद धोने के बाद इसे मिक्सी जार में का पेस्ट बना लें, धुलने के बाद में एक एक चीज़ों को डालते हुए, और
पेस्ट बना लें। और आप चाहें तो इसमें आप अगर एग लगाना चाहते हैं बालों में तो भी डाल सकते हैं, या फिर आप पानी की बजाय इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, और इस तरह से आप हिना भी इसमें डाल सकते हैं। हिना पाउडर है या हिना की पत्तियां होती हैं, मेहंदी की पत्तियां, वो भी डाल करके इसी समय पेस्ट बना सकते हैं। तो सास के साथ आपको हेयर पैक के साथ आपका हेयर कर्लिंग भी हो जाएगा, तो 2 in 1 काम हो जाएगा, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, तो आप नींबू है, दही है, दही भी जो होता है वो बालों की कंडीशनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस सभी चीज़ों को मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। ये देखें इस तरह से पेस्ट तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी या दही ना डालें, ध्यान से देखते हुए डालें, क्योंकि ये जो एलोवेरा है और भी जो चीज़ें हैं वो पानी छोड़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा पतला हेयर पैक हो जाएगा तो बालों पे अच्छे से नहीं लगेगा। और उसके बाद जो अब जब भी आप कोई भी हेयर पैक लगाएं ना, तो बालों को अच्छे से धो लें वॉश करने के बाद ही, जब नहीं तो उसमें ऑयल रहेगा, कोई चीज़ रहेगी, तो उतना फ़ायदेमंद ये नहीं करता है। और अगर आप हीना लगा रहे हैं तो बालों तेल लगे हुए बालों पर तो हीना बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। तो ये देखें इस तरह से पेस्ट बनके तैयार हो गया है, और इस सबको निकाल लें। आप चाहें तो इसको आयरन के बर्तन में भी रख सकते हैं, लोहे के बर्तन या कढ़ाई में रख दें, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद लगाएं तो और भी फ़ायदेमंद रहेगा। ये जितना भी बड़े बाल हों उसी हिसाब से आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसमें से कोई चीज़ कम हो तो ना भी डालें, कोई चीज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया पैक है, इसको आप ज़रूर बनाएं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़ायदेमंद नहीं है, और हर चीज़ आपको आराम से अपने घर में अपने गार्डन में मिल जाएगा। और महीने में एक बार तो कम से कम आप ज़रूर लगाएं, अगर 2 से 3 बार लगाएं तो आपके बाल बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं खाने में भी और बालों में भी, सब चीज़ों पे भी। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर नए हों। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगर कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।